सेंधवा। राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रेत, मुरमुर, गिट्टी का अवैध परिवहन करते ट्रैक्टर ट्राली और दो डंपर को किया जब्त। शहर में विभिन्न स्थानों पर आज राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग के दल ने अलग अलग स्थानों से गिट्टी का अवैध परिवहन करते दो डंपर, मुरुम और रेत का अवैध परिवहन करते ट्रैक्टर को जब्त किया है। संयुक्त दल की इस कार्रवाई से जहां इन चीजों का अवैध परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया, वहीं तहसीलों के अनुसार सभी लोग बिना रॉयल्टी के खनिज का अवैध परिवहन कर रहे थे, इसलिए इन पर कार्रवाई की गई। सर, कार्रवाई की गई, ट्रैक्टर पकड़ गए, क्या आपको? आज सेंधवा तहसील में राजस्व, पुलिस और खनिज विभाग की एक संयुक्त टीम के द्वारा जांच अभियान चलाया गया, जिसमें कि कुछ डंपर है जिसमें गिट्टी अवैध रूप से परिवहन हो रहा था, जिनके बाद कोई रायल्टी नहीं थी। इसी प्रकार से मिट्टी और मुरम भी जो है बिना रायल्टी के परिवहन की जा रही थी, उनको हमने जब्त किया, कार्रवाई की जा रही है। हाँ, कितनी गाड़ी जब्त की है? 8 का वाहन है, उसमें 2 डंपर है, बाकी छोटे ट्रैक्टर है। क्या कार्रवाई की गई? ट्रैक्टर अवैध परिवहन वाले हैं, जो जिनके पास में बिना वैध प्राधिकार के, बिना रॉयल्टी के जो है खनिज का जो परिवहन किया जा रहा है, अवैध परिवहन के प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। राजपुर थाना क्षेत्र के चिंदी घाट में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा। 45 वर्षीय रमेश निवासी फुलज्वारी की मौके पर मौत। वझर से राजपुर की ओर आ रहे बाइक सवार रमेश पिता नक्शी निवासी फुलज्वारी को आज पलसुद राजपुर मार्ग पर चिंदी घाट के पास अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे रमेश की मौके पर मौत हो गई। शव को एम्बुलेंस की मदद से राजपुर अस्पताल लाया गया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामला विवेचना में लिया है। सर, एक एक्सीडेंट का मामला आया, क्या घटना है? आज दिनांक को 9:30 बजे की बात है, करीब एक व्यक्ति रमेश पिता नवजी बारेला, उम्र 45 साल, निवासी फुलज्वारी का पलसु तरफ से आ रहा था। सिंधी घाटी दानोद के पास मोड़ पे अज्ञात वाहन ने टक्कर मार से स्पॉट पे ही उसकी डेथ हो गई है और मर्ग जांच करके विवेचना में लिया जा रहा है, जांच की जा रही है अज्ञात वाहन को।